हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एंड स्काई गर्ड्स स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन पार्ट व्हाट इज लाइट लाइट क्या है फिर हमने डिस्कस करा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख पाते हैं हाउ ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अस स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम में एयर में वाटर में ग्लास में तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी तो so स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रे और बीम के बारे में रे क्या होती है बीम क्या होती है ठीक है स्टूडेंट्स तो देखते हैं व्हाट इज रे तो बेसिकली स्टूडेंट्स रे क्या है रे एक सिंगल लाइन है लाइट की एक सिंगल लाइन है अगर कोई भी लाइट एक सिंगल लाइन में आ रही है इंसिडेंट हो रही है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं रे बोलते हैं रे इज सिंपली अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट ठीक है स्टूडेंट्स जैसे मैं ये बना दूं ये बना दिया मैंने तो ये क्या है ये रे है किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्स वाई जेड को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे ये सिंगल लाइन ऑफ लाइट निकल रही है इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या है ये रे है ठीक है स्टूडेंट्स तो लाइट की सिंगल लाइन सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज नोन एज रे ठीक है स्टूडेंट्स अब बात आती है बीम की व्हाट इज बीम तो अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम क्या है अगर मैं कई सारी रेज को बहुत सारी रेज को नंबर ऑफ रेज को कंबाइन कर दूं सो डेट विल बी कॉल्ड एज बीम यानी कि अगर मैं बंच ले लूं बंच माने गुच्छा ले लूं रेज का ग्रुप ले लूं एक ग्रुप में ले लूं रेज को तो वो क्या कहलाई जाएगी बीम कहलाई जाएगी ठीक है स्टूडेंट जैसे मैं सपोज करो ये तो ये क्या है ये एक रे दो रे तीन रे चार रे एक कई सारी रेज है बहुत सारी रेज आ गई ग्रुप आ गया एक ग्रुप में हो गई है रेज तो ये क्या है ये हमारी बीम कहलाई जाएगी अब सिंगल लाइन की बात नहीं हो रही है अब मल्टीपल लाइंस की बात हो रही है यानी कि रेज बहुत सारी आ चुकी है एक ग्रुप में आ गई है बंच है इनका तो ये जो बंच ऑफ रेज है तो ये क्या कहलाया जाएगा ये बीम कहलाया जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब बीम क्या है बीम हमारी थ्री टाइप्स की होती है ठीक है स्टूडेंट्स कितने टाइप्स की होती है बीम थ्री टाइप्स की पैरल बीम तो पैरेलल बीम क्या है पैरल बीम वो बीम है जिसमें जिस सारी रेज जितनी भी रेज है जितनी भी लाइट रेज है वो एक दूसरे की क्या है पैरल है एक दूसरे की कैसी है पैरल है जैसे मैं इसकी बात करूं ये मेरे पास में रेज है बहुत सारी ठीक है स्टूडेंट्स ये मेरे पास में ये रेज है तो ये एक दूसरे के पैरलल है स्ट्रेंट? एक दूसरे के पैरलल पे है ठीक है स्टूडेंट्स एक दूसरे के पैरल है तो ये कैसी बीम होगी ये होगी पैराल बीम ठीक है स्टूडेंट्स तो ये कैसी बीम होगी पैरल बीम अब दूसरी आती है कन्वर्जेंट बीम तो स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है कन्वर्जेंट बीम में जितनी भी लाइट रेज है जितनी भी लाइट रेज है एक्स वाई जेड कितनी भी हो ठीक है स्टूडेंट्स जितनी भी लाइट रेज है वो एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट करेंगी एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट करेंगी ठीक है स्टूडेंट्स ये देखिए ये एरो बना दिया मैंने ये एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही है तो ये कैसी बीम हुई ये हमारी हुई कन्वर्जेंट बीम ठीक है स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट बीम एक डायग्राम और बना देता हूँ ये देखिए ये देखिए ये जितनी भी लाइट रेज है ये एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही है एरो ध्यान से देखना ये देखिए ये एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही है तो ये सब कैसी हुई ये जो बीम हुई कैसी बीम है कन्वर्जेंट बीम ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड एस कन्वर्जेंट बीम तो कन्वर्जेंट बीम क्या है कन्वर्जेंट बीम वो बीम है जिसमें जितनी भी लाइट रेज है वो एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही है ठीक है स्टूडेंट्स अब थर्ड आती है डाइवर्जेंट बीम डाइवर्जेंट बीम की बात करूं तो जितनी भी लाइट रेज है जितनी भी लाइट रेज है वो एक पॉइंट से बाहर निकलेंगी एक पॉइंट से करेंगी बाहर निकलेंगी तो डेट बीम विल बी कॉल्ड एज डाइवर्जेंट बीम ठीक है स्टूडेंट जैसे मैं ये डायग्राम बनाता हूं तो जितनी भी लाइट रेज है वो एक पॉइंट से बाहर निकलेंगी ये देखिए एक पॉइंट से बाहर निकलेंगी सो दिस इज कॉल्डेंट ठीक है ये देखिए अगर मैं यहाँ पर एक और डाइवर्जेंट बीम डाइवर्जेंट बीम में जितनी भी लाइट रेज है इस पॉइंट से बाहर निकल रही है, अमर्ज कर रही है। और कन्वर्जेंट बीम में जितनी भी लाइट रेज है वो एक पॉइंट पर आके मीट कर रही है एक

अगर मैं दो या दो से ज्यादा रे एक ग्रुप में ले लू बंच ले लू रेज का सो डेट विल बी कॉल्ड एज बीम फिर बीम कितने टाइप की होती है थ्री टाइप्स की बीम होती है पैरल बीम कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम ठीक है स्टूडेंट्स पैरल बीम क्या है जिसमें जितनी भी लाइट रेज हमारी क्या है एक दूसरे के पैरल है ठीक है स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट बीम क्या है कन्वर्जेंट बीम में जितनी भी लाइट रेज है वो एक पॉइंट पर आके मीट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पर आके मीट करिए देखिए जैसे ये और डाइवर्जेंट बीम क्या है डाइवर्जेंट बीम में जितनी भी लाइट रेज है वो एक पॉइंट से बाहर निकल रही है ठीक है स्टूडेंट जैसे मैं ये डायग्राम बनाऊ ये डायग्राम बनाऊ तो ये क्या है ये हमारी डाइवर्जेंट बीम है ये हमारी

और आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं थैंक यू स्टूडेंट टेक केयर